बच्चों अब हम करेंगे टॉपिक नंबर फिफ्थ जिसका नाम है इनइक्वालिटीज इन ए ट्राइंगल्स। भाई हमने इक्वालिटीज तो काफी देख ली कि ये साइड इसके इक्वल है या ये एंगल इसके इक्वल है, साइड साइड मैच, एंगल एंगल मैच करके हमने कॉन्ग्रेंसी प्रूफ कर ली, मतलब मेन इक्वल चीजों की वजह से। अब कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे इनइक्वालिटीज, मतलब कोई चीज दूसरी चीज के इक्वल नहीं है हम ये कहेंगे, तो उसके बेस पे हम क्या करेंगे, चीजें देखेंगे हमारे पास क्या क्या निकल के आती है। चलिए तो यहाँ पे आपके पास देखो दो थ्योरम है और ये जो टॉपिक है आपकी एक्सरसाइज 7.4 को बिलोंग करता है, आपके सारे के सारे जितने भी इसमें क्वेश्चन है यहीं से सॉल्व होंगे। तो पहले मैं आपको थ्योरम पढ़ के बताता हूँ, दो थ्योरम है इसके अंदर। देखिए कि एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर एंड द साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, दोनों चीज एक ही है, घुमा फिरा के कन्वर्स है, एक तरीके से हम कहेंगे कि ये इसका है कन्वर्स है या ये इसका कन्वर्स, कह लीजिए एक ही बात है। तो अभी देखो एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, वो कहता है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ठीक है जी, तो उसमें क्या कह रहा है, जो साइड बड़ी होगी तो उसके जो अपोजिट एंगल होगा वो भी बड़ा ही होगा। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं दो साइड या तीन साइड के अंदर तो क्या होगा, जो सी साइड बड़ी होगी उसके अपोजिट वो एंगल भी बड़ा होगा उनमें से। तो चलिए इसको एक बार देखते कैसे है चीज, थोड़ा समझोगे तभी आपको आएगी। तो यहां पे देखो उसने ये कहा कि मान लो कि आपके पास ऐसे ठीक है, ये एक पाथ है ठीक है जी, ये एक पाथ है ओके। देन वो ये कहता है कि मान लो कि आपके पास एक लाइन दी गई है यहां पे कुछ इस तरीके से ले लीजिए, क्लियर हो गया ठीक है। अब उसने कहा कि देखो ये एक पॉइंट हो गया इसका, ये एक पॉइंट हो गया ए और बी, इसको ध्यान से समझना। उसने कहा कि पहले इस पे कहीं पे पॉइंट लगा लो आप, एक पॉइंट लगाया आपने, कहता अब इसको ज्वाइन करो आप ठीक है जी। एक बार आपने इसको ऐसे ज्वाइन किया ठीक है जी, ओके जी। अब कहता है कि आपने इसको ज्वाइन किया तो इसको भी एक बार ज्वाइन करो आप, देखो आपके पास ओके इतना क्लियर हुआ। अब कहता है कि एक पॉइंट पहले और लो इससे ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा, एक पॉइंट और लिया, इस बी को इससे ज्वाइन करो आप, पहले इस बी को आपने ज्वाइन किया इससे क्लियर, एंड इसको आप ज्वाइन करो इसके साथ, तो आप इसको ज्वाइन करोगे। अब देखो इस फिगर को ध्यान से देखना, जब आपने पहले इस पॉइंट का मैं नाम रख लेता हूं सी डी ओके, देखो आपके हिसाब से बी सी बड़ा है या बी डी बड़ा है, पहले ये बताओ बी सी बड़ा है या बी डी बड़ा है। भाई आपके हिसाब से बी डी बड़ा हुआ ना, तो यहाँ पे आप देखो कि जब बी डी बड़ा है तो देखो बी डी का एंगल कितना बना था, यहाँ पे इस बी डी के अपोजिट एंगल क्या है हमारे पास, ये वाला ओके, और इस बी सी के अपोजिट एंगल कौन सा आएगा बच्चों, ये वाला, तो कौन सा एंगल बड़ा है हमारे पास, ये बी डी वाला। तो यानी हमारे पास लॉन्गर साइड कौन सी थी इन दोनों में, बीडी थी, तो उसके अपोजिट हमारे पास ये पूरा बड़े वाला एंगल बना जो कि क्या था, कंपैरिजन बीसी के जो अपोजिट एंगल था उससे ठीक है जी। तो यहां से हमें क्या पता चला कि एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड क्या आपके पास बीडी, तो उसके अपोजिट एंगल ये बड़े वाला मिला किसके अगेंस्ट, कि जो बीसी छोटी साइड थी उसका जो एंगल था ठीक है जी। तो जो थी एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, ये चीज प्रूफ हुई। इसी का आप उल्टा देखो, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, अगर ये ग्रेटर एंगल है तो उसके अपोजिट साइड कौन सी बन रही है, ये और बी डी बी वाली बन रही है, तो ये क्या होगी बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि ये क्या है एंगल बड़ा है, अगर एंगल छोटा देखें हम तो उसके अपोजिट कौन सी साइड है बी सी, वो क्या है कंपेरिजन इसके छोटी है ठीक है। तो ये चीज प्रूफ होती है, ऐसे उसने कहा आगे और बढ़ो इसको देखो आप और इसको चेक करते हैं हम। तो इसको ले लो डी हो गया ये, इसको आप ई ले लो, इसको ज्वाइन करो आप, देखो आप ओके। तो अब आपके हिसाब से लाइन कौन सी बड़ी है, बीई बड़ी है बी डी है बी सी, बीई बड़ी है, बीई के अगेंस्ट कौन सा एंगल बनेगा अपोजिट में, ये इतने बड़े वाला, तो प्रूफ हो गया। अगेन देखो आप यहां पे ले लो लास्ट ठीक है, बीई एफ इस साइड को ज्वाइन करो आप, अब लेंथ में ये बड़ी है ये बड़ी है ये बड़ी है ये बड़ी है, बी एफ ही बड़ी है, देन उसके अगेंस्ट अगर आप एंगल लोगे तो देखो ये वाला एंगल बनेगा
तो यहां पे हमारे पास चीज क्या थी, जो थ्योरम थी कि एंगल अपोजिट टू दिस साइड क्या होगा, इस साइड के जो अपोजिट एंगल होगा बड़ी साइड के वो एंगल हमेशा बड़ा होगा कंपैरिजन इसके, या ये कह ले कि जो साइड होती है अपोजिट किसके, ग्रेटर एंगल के, इस ग्रेटर एंगल के जो अपोजिट साइड होगी वो हमेशा बड़ी होगी अगर हम कंपैरिजन करें दूसरों से। ठीक है, तो ये थी आपके पास टॉपिक नंबर 5 के अंदर इनइक्वालिटीज, कि आपके पास ये इक्वल नहीं है, इनइक्वालिटी है, मतलब ये बड़ी होगी या कोई छोटी होगी। ठीक है जी, कोई साइड हमारे पास अगर मैं बात करूं बीसी की, ठीक है, बीसी के हमारे पास लेस देन है किससे बच्चों, बीडी से अगर कंपैरिजन करें, यानी बीडी बड़ा हो गया। ठीक है जी, बीडी के अब मैं इनके एंगल का नाम रखता हूं, पहले जैसे हमारे पास ये एंगल वन था, इस बड़े का टू रख लो, सीक्वेंस में रख रहा हूं, इस वाले का नाम एंगल का वन है, इसका टू है, मैं ऐसे रख रहा हूं थ्री है, और इसके एंगल का नाम फोर है, ऐसे समझते हैं। अब देखना ध्यान से, अगर बीसी हमारा छोटा है बीडी से, देन बीसी का जो एंगल होगा वन वो भी छोटा होगा किससे, इसके एंगल टू से। ओके जी, मैं ये कहता हूं कि बी एफ, ठीक है, बी एफ क्या है, बड़ा है किससे, बीडी से, ध्यान से देखना, तो इसका एंगल भी तो बड़ा होगा, तो बी एफ का एंगल क्या है बच्चों हमारे पास, एंगल फोर, जो कि क्या होगा, बड़ा ही होगा बीडी के एंगल, यानी एंगल टू से, जो साइन है वही साइन नीचे लिखना है, तो साइड बड़ी है तो एंगल भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे कोई चीज आपको इक्वल दिखी नहीं, क्या है, ग्रेटर है या शॉर्टर है, यानी मतलब छोटी होगी या बड़ी होगी, यही चीज है ना। तो हमें क्या, इसलिए इसके कॉन्सेप्ट का नाम क्या दिया गया कि ट्रायंगल के अंदर साइड्स या एंगल हम क्या लेके चल रहे हैं, इनइक्वल, इक्वल नहीं है, ग्रेटर होंगे या स्मॉलर होंगे, इस वे में हमें चीजें निकालनी है, कुछ चीजों को प्रूव करेंगे जब हमारे पास एक्सरसाइज आएगी। तो ये थी आपके पास थ्योरम जो हमारे पास हो गया, टॉपिक नंबर 5 आपका हो गया, ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। ओके, देन अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। चलिए एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, चलिए।